अचीव करने के लिए हम लोग एफर्ट करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और ऐसा होता है जिस नेक्स्ट एफर्ट से, जिस अगले प्रयास से हमको सफलता मिलने वाली होती है, हम अपने गोल को अचीव करने वाले होते हैं, उसी एक प्रयास से एक स्टेप पहले हम लोग हार मान लेते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये गोल अब हम अचीव नहीं कर सकते, हमने इतने प्रयास कर लिए और अभी तक सफल नहीं हुए तो अब क्या सफल होंगे। ये निगेटिव बातें न सोच करके हम लोग को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि हमको सफलता न मिल जाए, ठीक है। दैट मींस हमारा जो अंतिम प्रयास होगा वही सफल प्रयास होगा। दैट मींस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट एफर्ट होगा, जो लास्ट अटेम्प्ट होगा, वही हमारा सफल प्रयास होगा, उससे पहले हम लोग हार नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए इसी पे छोटी सी स्टोरी हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक पहले समय की बात है, एक राजा के राज्य के एक राजा महाराजा थे, उनको किसी ने बहुत ही सुंदर सा एक काफी अट्रैक्टिव स्टोन गिफ्ट किया, उनको स्टोन गिफ्ट कर दिया, किसी एक व्यक्ति ने किया होगा। अब राजा के मन में यह आया कि इतना सुंदर पत्थर है, देखने में काफी अट्रैक्टिव था, तो उनके मन में ये आया क्यों ना इससे हमें भगवान की मूर्ति बनवाए, और उस मूर्ति को अगर अच्छे से बनाया जाए तो जब पत्थर इतना सुंदर दिख रहा है तो भगवान की मूर्ति भी अच्छी होगी देखने में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के जो सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाया और उसको ये बोला कि आपको ये पत्थर दे रहे हैं, आप इससे एक विष्णु भगवान की अच्छी सी मूर्ति बना करके उनको दीजिए, और हम इसके बदले आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं 100 गोल्ड कॉइंस देंगे। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, उसने कहा ठीक है, पत्थर छोटा सा है, छोटी सी मूर्ति बनाना है, और इसके लिए महाराज हमको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, और साथ में हमारा नाम भी होगा, ठीक है। ये सोचते हुए खुश होकर के मूर्तिकार अपने घर गया और हथौड़ी लिया, हथौड़ी हैमर जिससे हम लोग पत्थर को पीट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो हथौड़ी लेकर के उसने उस पत्थर पर चोट करना शुरू किया, उस पत्थर पर वार करना शुरू किया। और वो क्या देखता है कि पत्थर पे वार किए जा रहा है, पत्थर अपनी जगह से कस से मस नहीं हो रहा है, पत्थर टूट नहीं रहा है। ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे पत्थर पे तो हमने इतने वार किए हैं लेकिन ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है। उसने लगभग 100 वार कंप्लीट कर लिए, 100 टाइम्स उसने वार जो है थोड़े से पत्थर को पीटा कि पहले ये टूटे तब जाकर के हम इसमें इसके इसमें मूर्ति का शेप दे पाए, ठीक है। 100 बार पीटने के बाद जब वो 101 बार हथौड़ा उठाता है और जैसे ही चोट करने जाता है पत्थर पर, उसके मन में एक सवाल होता है कि जब ये 100 बार पीटने पर ये हथौड़ा से ये पत्थर टूटा नहीं तो क्या इसे प्रयास से टूट जाएगा। ये सोचते हुए उसने हथौड़े को बगल में रखा और पत्थर को ले जाकर के महाराज को वापस कर दिया और ये बोला महाराज ये पत्थर तो टूटने वाला है ही नहीं, इससे मूर्ति कैसे बनाएंगे। महाराज भी काफी आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा ठीक है जब पत्थर टूट ही नहीं रहा है तो मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है। वो भी काफी निराश हुए। उनके राज्यसभा में महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि महाराज एक काम और कर सकते हैं, क्यों ना किसी एक दूसरे मूर्तिकार को दिया जाए जिससे वो इसकी मूर्ति बनाए और उसको दरबार में बुला के यहीं पर देखा जाए कि पत्थर टूटेगा या नहीं, ठीक है। उन लोगों ने एक छोटे मूर्तिकार को, ये जो पहले वाले थे वो तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे इसलिए पहले उनको बुलाया गया, एक छोटे मूर्तिकार को बुलाया गया और उससे बोला गया दरबार में ही आप इस पत्थर को तोड़िए और इसको एक मूर्ति के शेप में ले आइए, ठीक है। उसने पहला वार किया, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पत्थर को तोड़ दिया। पिछले वाले मूर्तिकार ने लास्ट अटेम्प्ट पे हार मान लिया कि अब ये पत्थर हमसे नहीं टूटने वाला है, जबकि वो उसका अंतिम प्रयास होता, वो उसका अंतिम प्रयास होता, लेकिन उस अंतिम प्रयास के पहले ही वो मूर्तिकार हार मान लिया और बोला अब ये पत्थर हमसे टूटने वाला नहीं है, लेकिन इस मूर्तिकार के पहले वार से ही पत्थर टूट गया और दरबार में बैठे राजा और सारे मंत्री आश्चर्यचकित रह गए कि
अभी पिछला जो मूर्ति का था वो तो ये बोल के गया है तो पत्थर टूटेगा ही नहीं, लेकिन इसके एक ही वार से पत्थर टूट गया। लेकिन जो बैठे जितने भी राज्यसभा में मंत्री और महामंत्री राजा थे, उनको ये नहीं पता था कि इस पत्थर को तोड़ने के लिए पिछले मूर्तिकार ने 100 times उसके वार किए थे। लेकिन इस मूर्तिकार के एक वार से, जो कि उस पिछले मूर्तिकार का अंतिम वार होता, उससे पहले वो हार मान लिया, नहीं तो वो पत्थर भी तोड़ देता, मूर्ति भी बना लेता और 100 स्वर्ण मुद्राएं महाराज से बनता और साथ ही साथ उसकी प्रसिद्धि भी होती। इन सब चीजों से वो वंचित रह गया, वो एक निराश हो गया, क्योंकि उसने ये मान लिया कि अब हम 100 बार तक प्रयास कर चुके हैं, अब 101 बार में कैसे ये टूट सकता है, जबकि वही 101 बार जो सिंगल वार जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था वही उसका लास्ट अटेम्प्ट होता और मूर्ति टूट जाती। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग इसी तरीके से अपने जीवन में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत से ऐसे गोल होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जो समस्याएं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं और हम लोग बिल्कुल कोशिश भी करते हैं, हम किसी गोल को अचीव करने के लिए हम पूरा अपना एफर्ट भी लगाते हैं, लेकिन होता यही है कि जब अंतिम प्रयास होता है जिसमें हमको सफलता मिलने वाली होती है, उससे पहले ही हम निराश हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अब ये काम हमसे नहीं होगा और उस अंतिम प्रयास को छोड़ देते हैं जिसके बाद हमको सफलता मिल जाती है। तो कभी भी अगर आप किसी काम को करने की ठानिए तो उसको करके ही छोड़िए और आप तब तक उसको करिए जब तक कि आपका अंतिम प्रयास ना हो, और अंतिम प्रयास ही वो प्रयास होता है जिसमें आपको सफलता मिलती है। तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, चाहे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसी गोल को अचीव कर रहे हो, हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम ये नहीं मान लेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसी निगेटिव बातें अपने अंदर बना ली तो वास्तविकता यही है कि वो काम हमसे नहीं होगा। तो हमेशा हम लोग को इस बात को समझना है कि प्रयास हम तब तक करेंगे जब तक कि वो हमारा अंतिम प्रयास न हो, और अंतिम प्रयास ही आपको सफलता दिलाती है।